हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर 1 में पढ़ते हैं इंटीजर, जिसमें आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इससे पहले की क्लास में हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दैट मीन्स द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स जब भी हम लोग कोई दो इंटीजर को सम करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो ऑलवेज इंटीजर आता है। जो कि हम लोग यहाँ पे ए और बी कोई दो इंटीजर लेते हैं एंड इसको सम करते हैं तो इसका आंसर भी इंटीजर आता है। जैसे एग्जांपल 1 में 9 एंड 3, यहाँ पे 9 भी इंटीजर है एंड 3 भी इंटीजर है, और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो इसका आंसर 12 आता है, जो एक इंटीजर है। एंड एग्जाम्पल 1 में हम लोग देखते हैं -10 एंड +12, और -10 एंड +12 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2 आता है, सो 2 इज एन इंटीजर। अब ये 2 ही क्यों हुआ, इसको तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, बट हम लोग इसमें साइन जो होता है वो प्लस का यूज़ करते हैं, यानी कि ये विथआउट साइन का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको इससे पहले की क्लास में रूल्स ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ाई थी कि इसका कुछ रूल्स होता है। जैसे हम लोग दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग साइन जो पुट करते हैं वो ऑलवेज बड़ा नंबर का पुट करते हैं, और यहाँ पे बड़ा नंबर 12 है और 12 का साइन प्लस में है, इसलिए इसका आंसर 2 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग -4 एंड +-20 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एग्जांपल 3 में साइन को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि साइन को मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं। -14 एंड -+ मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है एंड -20। हम लोग यहाँ पे -, ये प्लस होता है और इसका आंसर आता है 34। ये 34 तो आया, बट ये 34 हम लोग माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, तो ये भी पिछले क्लास में मैंने जो रूल्स को बताई थी वो सेकेंड रूल्स में क्या था कि हम लोग जब भी कोई दो सेम साइन को ऑपरेट करते हैं, प्लस करते हैं, तो साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कॉमन साइन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस मिलकर प्लस हो रहा है, बट इसका कॉमन साइन क्या है, कॉमन साइन इसका माइनस में दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा वो -34 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स द सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेस, दैट इज फॉर टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स अगर कोई भी दो इंटीजर हम लोगों के पास दिया हुआ है तो उसको विथआउट चेंज किए, यानी कि वो नंबर को तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बट नंबर के प्लेस को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी किए और हम लोग राइट साइड में बी प्लस ए करते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू 7 है एंड बी इक्वल टू -4 है, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे ए का वैल्यू 7 एंड बी का वैल्यू -4 दिया हुआ है, 7 + -4 इक्वल टू -4 + 7। इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं तो 7 + -, -, हो जाता है, 7 - 4 इक्वल टू -4 + 7। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 3 आता है, एंड इसको सॉल्व करते हैं तो इधर भी आंसर 3 आता है, इट इज कॉल्ड टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल 25 है एंड -30 है, इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए का वैल्यू यहाँ पे 25 है, 25 + -30 इक्वल टू -30 + 25। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 25 + - मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, -30 इज इक्वल टू -30 + 25। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर -5 आता है, एंड इधर भी सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर -5 आता है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई दो नंबर को ऑपरेट करते हैं तो साइन हम लोग ऑलवेज बड़ा नंबर का पुट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स द एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर एनी थ्री इंटीजर ए बी एंड सी, वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम लोग सबसे पहले दो नंबर को प्लस करते हैं, फिर थर्ड वाले नंबर से प्लस करते हैं, एंड राइट साइड में
हम लोग लास्ट के दो नंबर को प्लस करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट वाले नंबर से प्लस करते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो सेम आता है, सो इट इज़ कॉल्ड टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल में ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 30 है, सो हम लोग इसको पुट करते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो ए का वैल्यू 5 है, सो 5 प्लस 12 प्लस यहाँ पे सी का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, सो -30 इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस -30। सो इसमें हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है, 12 और 5 को प्लस करते हैं तो इसका आंसर 17 आता है, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, सो -30 इज इक्वल टू 5 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 12 और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो -30 आता है। सो यहाँ पे 17 -30 होता है इक्वल टू 5 प्लस इंटू हम लोग ब्रैकेट में इसको करते हैं 12 -13। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस यहाँ पे ये सबट्रैक्ट होके इसका आंसर -18 आता है, एंड यहाँ पे सबट्रैक्ट होके इसका आंसर -13 आता है। सो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो ये होता है 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, सो -18, और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर -13 आता है, और यहाँ पे भी इसका आंसर -13 है, सो -13 इज इक्वल टू -13, सो इट इज इक्वल टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू -9 एंड सी इक्वल टू 12। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो ए का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस यहाँ पे 9 माइनस में है, सो इसको हम लोग माइनस में राइट करते हैं, -9, इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, प्लस सी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट ए यानी कि 7 प्लस -9 एंड प्लस 12, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, सो 7 -9 प्लस 12 इज इक्वल टू 7 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, पर आंसर इसका प्लस में आता है क्योंकि हम लोग बड़ा नंबर का साइन यूज़ करते हैं, सो +3, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7 -9 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर -2 आता है, सो -2 प्लस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 को प्लस करते हैं तो इसका आंसर 10 आता है, और हम लोग यहाँ पे 12 में से 2 लेस करते हैं तो इसका भी आंसर 10 आता है, सो 10 इक्वल टू 10, सो इट इज इक्वल टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है जो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एक्सिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट माइनस ए, दैट इज ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर कोई भी आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, अगर आप उस नंबर को उसके साइन को चेंज करके प्लस करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल 1 में ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है, सो हम लोग यहाँ पे 12 एंड प्लस माइनस 12 करते हैं इज इक्वल टू, फिर से हम लोग -12 एंड प्लस 12 करते हैं तो इसका आंसर प्लस माइनस सॉल्व होके 0 हो जाता है, एंड यहाँ पे भी -12 और प्लस 12 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है, सो इट इज कॉल्ड टू बी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल -71 दिया हुआ है, सो -71 एंड प्लस 71 करते हैं, एंड फिर इसी को अपोजिट करके प्लस 71 एंड -71 करते हैं तभी इसका आंसर 0 आता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 का मतलब क्या है? इफ़ ए इज एनी इंटीजर देन ए प्लस 0 इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस ए इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे ए कोई इंटीजर है और ए में हम लोग 0 को प्लस करते हैं तो वो ऑलवेज होता है। जैसे यहाँ पे 13 दिया हुआ है, अगर हम लोग 13 में 0 से प्लस करते हैं तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ये सिंपली 13 होता है, एंड 0 प्लस 13 करते हैं तभी इसका आंसर 13 ही आता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल -45 का दिया हुआ, सो -45 भी इसी तरह से होता है, अगर -45 में हम लोग 0 को प्लस करते हैं तभी इसका आंसर -45 ही होता है, एंड 0 प्लस माइनस 45 करते हैं तब भी इसका आंसर -45 ही होता है, सो इट इज़ कॉल टू बी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। सो आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर का टोटल
प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।